अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लैक्रिमल अपरेटस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन इट। लैक्रिमल अपरेटस कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रक्चर्स विच आर कंसर्न विद द सेक्रीशन एंड ड्रेनेज ऑफ लैक्रिमल और टीयर फ्लूइड। इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रक्चर्स जो टीयर फ्लूइड या लैक्रिमल फ्लूइड की सेक्रीशन और ड्रेनेज में हेल्प करती हैं या इस्तेमाल होती हैं, उन सारी स्ट्रक्चर्स को हम लैक्रिमल अपरेटस कहते हैं। अब लैक्रिमल अपरेटस में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लैक्रिमल ग्लैंड एंड इट्स डक्ट्स। सेकंड नंबर पे कंजंक्टिवल सैक। थर्ड नंबर पे लैक्रिमल पंक्टा एंड लैक्रिमल कैनालिकुलाई। एंड फोर्थ नंबर पे लैक्रिमल सैक। एंड लास्ट वन इज़ नेजो लैक्रिमल डक्ट। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल से इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं लैक्रिमल ग्लैंड पे। तो लैक्रिमल ग्लैंड है, ये एक सीरस ग्लैंड है। और उसके बाद इसकी लोकेशन ये है कि ये लैक्रिमल फोसा में प्रेजेंट होता है। अब लैक्रिमल फोसा कहाँ पर होता है? जो आई का ऑर्बिट है, इसका एंटीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द आई, ये पोर्शन, और पार्टली ऑन द अपर आईलिड, ये पोर्शन कहलाता है लैक्रिमल फोसा। अब इस लैक्रिमल फोसा के अंदर ये लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये हो गई इसकी लोकेशन लैक्रिमल ग्लैंड की। अब लैक्रिमल ग्लैंड की शेप कैसी है? ये जे शेप्ड है। ये जे शेप्ड, इसकी मैं अभी शेप दिखाता हूँ क्लियरली। ये जे शेप हम इसको कह रहे हैं। इसकी जे शेप क्यों है? क्योंकि जो लिवेटर पेल्पिब्री सुपीरियरिस मसल का जो टेंडन है वो इसको यहाँ से दबा रहा है। उसका जो टेंडन वो इसको यहाँ से दबाता है, जिसकी वजह से इसकी शेप जे शेप्ड हो जाती है। अब जे शेप में इसके दो पार्ट्स बन जाते हैं। एक बन जाता है ऑर्बिटल पार्ट, जो इसका ये ऊपर वाला पार्ट है जो ऑर्बिट के बिल्कुल साथ लगा हो, उसे हम कह रहे हैं ऑर्बिटल पार्ट। और दूसरा पार्ट है पेल्पिब्रल पार्ट, जो ये पेल्पिब्रा या आईलिड के बिल्कुल साथ वाला पार्ट है, इसे हम कह रहे हैं पेल्पिब्रल पार्ट। जो ऑर्बिटल पार्ट है ये लार्जर होता है और ये डीपर होता है। ये हमने देखा, ये ऑर्बिटल पार्ट है, ये इतना बड़ा सारा है, और इसके साथ जो पेल्पिब्रल पार्ट है ये स्मॉलर है और सुपरफिशियल है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी डक्ट्स कितनी हैं। डक्ट्स इसकी अबाउट 8 to 12 डक्ट्स होती हैं इस लैक्रिमल ग्लैंड की, जिसके थ्रू ये सेक्रीशन करता है। अब ये जो डक्ट्स हैं, ये आ किस तरह रही हैं? ये जो है अपर आईलिड का कंजंक्टिवा है, इसको ये पियर्स करती हैं। उसके बाद ये सुपीरियर फॉर्निक्स जो इसके अंदर बनता है, सुपीरियर फॉर्निक्स इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, उस सुपीरियर फॉर्निक्स के अंदर जाके ये ओपन हो जाती हैं। अब जो ऑर्बिटल पार्ट से जो जितनी भी डक्ट्स आ रही हैं, वो मोस्टली जो हैं वो पेल्पिब्रल पार्ट से गुजर के आती हैं, क्योंकि पेल्पिब्रल पार्ट आईलिड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से जो ऑर्बिटल पार्ट दूर है, उसकी जितनी भी डक्ट्स आती हैं वो पेल्पिब्रल पार्ट से गुजर के आई के अंदर आती हैं। ये बताने का मकसद ये है कि अगर हम पेल्पिब्रल पार्ट को रिमूव कर देंगे किसी भी वजह से, तो इसकी जो ऑर्बिटल पार्ट की सेक्रीशन है वो आई तक नहीं पहुँच सकेगी। तो ऐसी सूरत में जो लैक्रिमल ग्लैंड का फंक्शन टोटली लॉस हो जाएगा। ये हो गया इसकी डक्ट्स के बारे में। अभी आ जाते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई के लिए इस लैक्रिमल ब्रांच ऑफ ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की लैक्रिमल ब्रांच इस लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई कर रही है। और इसी तरह नर्व सप्लाई, लैक्रिमल नर्व इसको सप्लाई कर रही है। और सेक्रीशन जो ग्लैंड की एक प्रॉपर्टी होती है, तो वो तो वो कि मतलब कि क्या चीज़ सेक्रीट कर रहा है लैक्रिमल ग्लैंड? लैक्रिमल ग्लैंड सेक्रीट कर रहा है लैक्रिमल फ्लूइड, इसे हम टीयर फ्लूइड भी कहते हैं। जो हमारी आंखों से पानी की तरह चीज़ निकलती है वो होता है लैक्रिमल फ्लूइड, वो ये लैक्रिमल ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। नॉर्मल कंडीशन में जितना भी लैक्रिमल फ्लूइड बन रहा होता है, तो वो आई को लुब्रिकेट कर रहा होता है, आई के कंजंक्टिवा को। उसके अलावा जो एडिशनल थोड़ा बहुत होता है, एक तो इसको लुब्रिकेट करके वहीं से एवेपोरेट हो जाता है, जो थोड़ा बहुत बचता है वो लैक्रिमल कैनालिकुलाई से आगे ड्रेन हो जाता है। जब इस फ्लूइड की, लैक्रिमल फ्लूइड की एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाती है, तो ये
ओवरफ्लो हो जाता है आई से, जो जिसको हम कहते हैं आंसू निकला है या टीयर्स, तो वो ये लैक्रिमल फ्लूइड होता है। इसके बाद आ जाते हैं एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स की तरफ। जो एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं ये दो टाइप्स के हैं, क्रॉस ग्लैंड्स और वोल्फरिंग्स ग्लैंड्स। इनकी लोकेशन कहाँ है, ये कंजंक्टिवल फॉर्निसिस में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये आगे डिस्कस करते हैं कंजंक्टिवल फॉर्निस क्या है और इसका फंक्शन क्या है। इनका फंक्शन ये है कि मॉइस्टन कंजंक्टिवा एंड कॉर्निया, इसका फंक्शन भी वही है जो लैक्रिमल ग्लैंड का फंक्शन है, लेकिन ये तब फंक्शन करते हैं जब किसी भी वजह से लैक्रिमल ग्लैंड फंक्शन करना छोड़ दे या रिमूव हो जाए, डैमेज हो जाए और वो अपनी सेक्रीशन प्रोड्यूस करना छोड़ दे, तो ये उसके बाद उसकी सेक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। तो उसके बाद ये जो सेक्रीशन लैक्रिमल फ्लूइड को सेक्रीशन जो है इसको जो कंट्रोल करते हैं वो हैं एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स। ये लैक्रिमल फ्लूइड सेक्रीट करते हैं जिससे कंजंक्टिवा और कॉर्निया को मॉइस्टन करते हैं। ये हो गया हमारा लैक्रिमल ग्लैंड कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दिस इज़ कंजंक्टिवल सैक। इसको डिस्कस करने से पहले हमने ये दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं, पल्पिब्रल कंजंक्टिवा और बल्बर कंजंक्टिवा। पल्पिब्रल कंजंक्टिवा क्या चीज़ है, ये आईलिड है हमारे पास जिसको हम पल्पिब्रा भी कहते हैं। इसकी दो सरफेस हैं, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस, डीप सरफेस। अब जो डीप सरफेस को जो कंजंक्टिवा लाइन कर रहा है उसे हम कह रहे हैं पल्पिब्रल कंजंक्टिवा, और जो कंजंक्टिवा आई बॉल को लाइन कर रहा है, आई बॉल को कवर कर रहा है, वो उसे हम कहते हैं बल्बर कंजंक्टिवा। अब कंजंक्टिवल सैक है, कंजंक्टिवल सैक इज़ अ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द पल्पिब्रल एंड बल्बर कंजंक्टिवा। इन दोनों कंजंक्टिवा के दरमियान जितनी भी स्पेस है उसको हम कह रहे हैं कंजंक्टिवल सैक। और कंजंक्टिवल फॉर्निक्स क्या चीज़ है, इट इज़ अ स्पेस फॉर्म्ड बाय द जंक्शन ऑफ बल्बर एंड पल्पिब्रल कंजंक्टिवा। ये सिर्फ थोड़ी सी वो स्पेस है जहाँ पे पल्पिब्रल और बल्बर कंजंक्टिवा का जंक्शन बन रहा है, इधर बैक में अगर हम जाके देखें अंदर तो उस जगह को हम कह रहे हैं कंजंक्टिवल फॉर्निक्स। और इसी जगह पे एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ। थर्ड स्ट्रक्चर इज़ द लैक्रिमल पंक्टा एंड कैनालिकुलाई। लैक्रिमल कैनालिकुलस की जो लेंथ है वो है 10 मिलीमीटर, और इसके दो पार्ट्स हैं, एक वर्टिकल पार्ट 2 मिलीमीटर का है और एक हॉरिजॉन्टल पार्ट 8 मिलीमीटर का है। ये मैं आपको शो कराता हूँ। ये आ गया हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड, और इसके साथ ये इसकी डक्ट्स, और ये हमारे पास आई आ गई। आई के इधर जो लेटरल सरफेस पे अगर हम देखें, सॉरी मीडियल सरफेस पे, तो ये हमारे पास एक यहाँ पे पेपिला बन रहा है, इसे हम कह रहे हैं लैक्रिमल पेपिला। और इसके अंदर ये जो डॉट सा नज़र आ रहा है, ये एक पोर सा नज़र आ रहा है, इसे हम कह रहे हैं लैक्रिमल पंक्टम। और ये सुपीरियर लैक्रिमल पंक्टम है, और इसी तरह ये इन्फीरियर लैक्रिमल पंक्टम है। और इसके साथ ये जो दो पाइप्स जा रही हैं इसे हम कह रहे हैं कैनालिकुलाई। इसके दो पार्ट्स हमने देख लिए हैं कि एक वर्टिकल पार्ट है और एक हॉरिजॉन्टल पार्ट है। ये दोनों कैनालिकुलाई जाके ये लैक्रिमल सैक में ओपन हो जाती हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो है लैक्रिमल सैक। लैक्रिमल सैक जो है इट इज़ मेम्ब्रेनस सैक। इसकी लेंथ है अबाउट 12 मिलीमीटर और विड्थ है अबाउट 5 मिलीमीटर। इसकी लोकेशन कहाँ है, लोकेशन है लैक्रिमल ग्रूव में। ये है हमारे पास ये लैक्रिमल सैक, इसे हम कह रहे हैं, इस पोर्शन को हम कह रहे हैं लैक्रिमल सैक। इसके दो एंड्स हैं, एक अपर एंड है और एक लोअर एंड। अपर एंड जो है वो ब्लाइंड एंड है, और जो लोअर एंड है वो कंटिन्यूस विद द नेजो लैक्रिमल डक्ट। इसको हम कहते हैं नेजो लैक्रिमल डक्ट, वो इसके साथ कंटिन्यूस हो जाता है। ये हो गया हमारे पास लैक्रिमल सैक। और इसके रिलेशंस कुछ हैं कि मीडियली जो है वो लैक्रिमल ग्रूव प्रेजेंट है, और इसके एंटीरियरली पल्पिब्रल लिगामेंट प्रेजेंट है। ये हो गया हमारे पास लैक्रिमल सैक कंप्लीट। अब इसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, वो है नेजो लैक्रिमल डक्ट। ये है मेम्ब्रेनस पैसेज है, मतलब एक डक्ट है जहाँ से लैक्रिमल फ्लूइड पास करता है। इसकी लेंथ अबाउट 18 मिलीमीटर है, ओपन्स इनटू इन्फीरियर मिएटस। ये हमारे पास इन्फीरियर मिएटस है, तो इसके अंदर यहाँ पे जाके ये लैक्रिमल डक्ट ओपन होती है, नेजो लैक्रिमल डक्ट यहाँ पे जाके इन्फीरियर मिएटस के अंदर ओपन होती है, नोज़ के अंदर। जहाँ पर ये ओपन होती है उसी के साथ उस जगह पर
म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड है जिसे हम कहते हैं वाल्व ऑफ हेजनर। इस स्ट्रक्चर को जहाँ पे ये इन्फीरियर मीएटस में ओपन होती है, इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं वाल्व ऑफ हेजनर। ये हो गया हमारे पास नेजो लैक्रिमल डक्ट कंप्लीट। तो हमने सारा कंप्लीट डिस्कस कर लिया कि हमारे पास लैक्रिमल अपरेटस में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं और वो किस किस तरह फंक्शन करती हैं। अगर वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।